नमस्कार, मैं रेखा सिंह, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोचिकित्सक। आज मेंटल हेल्थ में मैं आपसे डीलिंग विद सुसाइड थॉट्स पे डिस्कस करूंगी। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत से लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, लाइफ के कभी भी किसी ऐसे वक्त पे मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि बस अब बहुत हो गया, अब और तकलीफ पता से ही होती, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। तो अगर कभी भी आपने लाइफ में सुसाइड जैसे थॉट्स को एक्सपीरियंस किया है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुसाइडल जैसे थॉट्स हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने ऐसे वक्त पे जब हमें ऐसा लगता है कि ये दुख या ये तकलीफ जो हमारे साथ जो जुड़ा है अभी, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इस तरह के जो विचार आते हैं मन में, तो कुछ पल के लिए लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया हूँ या मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए मेरे मन में ऐसी बातें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न होता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपके लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में होती है, सैडनेस इतना ज़्यादा होता है कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, या कहीं आपका जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही, या फिर इस दुख को, इस तकलीफ़ को मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि कोई भी वक्त अगर आपका बुरा चल रहा है, तो वो एक जैसा नहीं होता। कोई भी समय एक जैसा नहीं होता। अगर बहुत अंधेरा है तो उजाला भी मिलता है। तो अगर इस तरह का कभी भी आपकी ज़िंदगी में परिस्थिति आए, तो आप इंतज़ार कीजिए उस बुरे वक्त के गुजरने का। और हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में वो टेम्पररी है, लेकिन सुसाइड एक परमानेंट डिसीज़न है। एक बार जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, वो दोबारा कभी नहीं मिलता। लेकिन मुसीबतों से, दुखों से, प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। और जो हमारा जीवन है, बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में कहा है कि हमारा जीवन जो है वो हमारे वश में ही नहीं है। यानी जो हमारी जिंदगी है वो हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि वो हर लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार हैं, जो हमें जाने वाले हैं, या जिनको लेके हमारे कर्तव्य हैं समाज को लेके, परिवार को लेकर, हमारे दोस्तों को लेकर, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको लेकर हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमारे जीवन पर उन सबका अधिकार है। तो जिस चीज पे हमारा अधिकार ही नहीं है, उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? और समय कैसा भी हो, चाहे वो बहुत ही दुख भरा हो, चाहे आपको ऐसा लगे कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे अपनी खुशी पाने का, वो बिल्कुल बदलेगा। आप देखिएगा, आप खुद देखते होंगे कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हर वक्त एक जैसी नहीं होती है। इवन प्रॉब्लम्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जिस तरह से कभी इंसान थक जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप सैडनेस का एक्सपीरियंस होता है, तो उस वक्त आप अपने आप को आराम दीजिए। उस वक्त आप थोड़ा पॉजिटिव या बहुत आशावादी विचारों को लेकर अपने आप को आराम कीजिए, और जो आपको कर्म करना है वो सिर्फ कर्म करते जाइए। क्योंकि भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा जो
फोकस है, हमारा जो कंट्रोल है वो सिर्फ कर्म पे होना चाहिए, ना कि फल पे। क्योंकि सफल और असफल होना ये किसी भी इंसान के बस की बात ही नहीं, तो जो हमारे बस में ही नहीं उस पे रोना कैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक जो रिश्ता होता है बहुत अच्छा हो, आप अपने सारे कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले के विचार या उनकी जरूरतें कुछ और हो, तो वहाँ पे रिलेशनशिप में असफलता मिल सकती है। हो सकता है उनका सिलेक्शन ही कुछ और हो, उनकी सोच ही कुछ और हो, तो वो रिश्ता जो असफल हुआ इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। ये एक सिलेक्शन है, ये सामने वाले की एक सोच है, तो जो आपके बस में ही नहीं रहा, तो ये असफलता जो आपको रिश्ते में मिली इसके जिम्मेदार आप कैसे हो सकते हैं। तो कभी भी जिंदगी में जो भी असफलता मिली, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या आपने कुछ प्लानिंग की हो, तो बिल्कुल आप उसको अपने लिए जिम्मेदार नहीं माने और हमेशा सिर्फ प्रयास करते रहें। हो सकता है आपका आखिरी प्रयास जो हो वो बहुत ही पॉजिटिव हो, जितना आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो हम अपनी ड्यूटीज़ या ड्रीम करने में असफल जब हो जाते हैं, तब हमारे मन में ज़्यादातर सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं। जबकि जो भी कर्म का फल है, चाहे आप कितनी भी मेहनत किए हो, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल एडवर्स है, तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि क्या मैंने जो कोशिश की उसको मैं बदल सकता हूँ। आप उसमें चेंज लाइए, ना कि आप अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए सोचिए। अर्जुन ने एक बार जब श्री कृष्ण से पूछा, अगर मेरी जीने का जो भी मकसद है वो ख़त्म हो गया है, मैं अब बिल्कुल जीना नहीं चाहता, मैं अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेता हूँ, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में बहुत ही अच्छे से अर्जुन को ये बात समझाई कि हर वो इंसान जो ये समझता है कि जीवन जो है, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, तो वो बिल्कुल सोचना गलत है। क्योंकि ये तो ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, ईश्वर ने ही आपको वो सारी शक्ति दी है, माँ बाप ने आपको कैपेबल बनाया है, तो यहाँ पर जब हमारे ऊपर ऋण है ना, तो हमारे जो कर्तव्य है, तो अगर इस कर्तव्य को हम जब तक पूरा ना कर लें, और जब तक हमारा जो ऋण है, चाहे वो ईश्वर को लेकर हो, समाज को लेकर हो, वो पूरा ना हो जाए, तो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें सफलता मिले चाहे असफलता। आत्महत्या करने वाले को ऐसा लगता है कि उसका जीवन ख़त्म हो गया, उसके जीने की जो भी इच्छा शक्ति थी वो ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता, जीवन कभी ख़त्म नहीं होता। दिस इज़ जस्ट अ गेम ऑफ माइंड, ये हमारे दिमाग का एक खेल है, क्योंकि जब हमें हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं मिलता तो हम वहाँ एडजस्ट करना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं है, या फिर मेरी ज़िंदगी जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ऐसा रियल नहीं है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आपने के अंदर जो जीने की इच्छा शक्ति है, जो जीने का आपका एक सोच है, वो ख़त्म हुआ है, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए कितना भी अंधेरा हो, जीवन में उजाले का इंतज़ार कीजिए,
अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आराम कीजिए, लेकिन जीवन जीना कभी मत छोड़िए। एक बहुत ही अच्छी कविता है, इस पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त के हालात पर रोया नहीं करते। और जाते जाते एक बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है, मैं आपसे शेयर करूंगी। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत ना हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है, तो समय को के गुजरने का इंतजार कीजिए। आपका जो भी बुरा वक्त है वो गुजर जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत सा जो आने वाला समय आपका इंतज़ार कर रहा है। और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच बनाए रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, और अपने कर्म पे ध्यान दें ना कि फल पे।